टोनाटा खाइए के दवाई लेइए के बेरतार जे यार ये दस साल फेरी वाला बंदा मसा पूरा बिल पा खेलो रोटी पानी तो बह जाए। नाजरीन देखे जी, मियां साहब की हुकूमत में 250 रुपए का लीटर पेट्रोल सस्ता था, इमरान खान की हुकूमत में 150 रुपए पेट्रोल महंगा था। जो अजीम लीडर होता ना वो अवाम का सोचता है, बिल्कुल जो ये चोर हैं ये अपने पॉकेट का सोचते हैं। दूसरी बाइक थी वो बेच दी मैंने भाई, अब वो बाइक बेच दी बिजली का बिल अदा कर जी 25,000 सैलरी या 14,000 बिल पे करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सुबह टीवी में खुश आमदीद, मैं हूँ आपका अपना दोस्त मलिक नुमान। पाकिस्तान में जगह जगह पे ये शोर है कि इस बार बिल बहुत ज्यादा आ रहा है, कुछ लोग तो बिल देने से इनकार कर रहे हैं और कुछ लोग बिलों को जलाकर बिल का बायकॉट कर रहे हैं। आज हम मौजूद हैं राजा जंग में, जो कि डिस्ट्रिक्ट कसूर का एक गांव है। यहां पर लोगों से हम जानेंगे कि यहां के लोगों को कितना बिल आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर बिल कितना आया आपको? बिल आया 12,000-14,000। 14,000 बिल आया आपको? 14,000। तो पहले कितना आता था? पहले 3,000-2,000। 2-3,000 आता था, इस बार आगे 14,000 आया। 3-4 बार 14,000 आ गया, यानी कि पिछले 3-4 माह से आगे 14-15,000 बिल आ रहा है। 5,000 तनख्वाह है साड़ी। 25,000 सैलरी या 14,000 बिल पे करते हैं। तो बीमार पे हैं वो भी को नहीं खाता लग जाते हैं काम का। बेहोश आटा खाइए के दवाई लाइए के बिल उतार दिए यार ये दस साल तो नहीं। मौजूदा हुकूमत से यही सवाल है कि आज ये आवाम जो है ये मिडिल क्लास फैमिली खाना खाने से भी कासिर है मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक। यार जान दो गुस्से नो, ये हुक्मरानो ये फरेब ना करो, अभी अहीं गरीबां नु कुछ नहीं आखना, गरीबां नु कुछ नहीं, गरीब तो रहने को नहीं देता। सरकारी मुलाजमीन जी बिल फ्री है, बिजली फ्री है उनके लिए, उनके लिए क्या कहना चाहिए? मजदूरों ने तो कुछ नहीं देते, सरकारी मुलाजमों ने सारा कुछ दी जाते हैं, उन्हें तनख्वाह बहुत जाती है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या है सर? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल कितना आया बिजली का? 30,000 आया सर। 30,000 बिल आया सर। कब से आपको इतना बिल आ रहा है? तकरीबन जब से ये हुकूमत आई ना नवाज शरीफ की, अब ये काकड़ साहब आए उसी तरह से। अब तो निगरान हुकूमत है ना जी, निगरान हुकूमत तो यही हो रहा है, रोज की बुनियाद पे 5 रुपए 10 रुपए एक यूनिट पे बद रहा है। देखो हम क्या करें, घर के खर्चा तक किराया दें, चीनी बिजली लें, क्या करें हम? क्या करते हैं आप, कमाते हैं कितना है? मैं 15,000 कमाता हूँ। 15,000 सैलरी है नाजरीन और 30,000 बिल है, बाकी का 15,000 कहाँ से लिया आप? सर दूसरी बाइक थी वो बेच दी मैंने भाई, अब वो बाइक बाइक बेच दी बिजली का बिल अदा करने के लिए जी, और हम क्या करें, अदा हमने कर दिया, अगला बिल कैसे अदा करें? फिर क्या हुआ, ये बेच देंगे और क्या है, बस सारी जिंदगी। तो बाकी वजीर अपना बजट पूरा करते हैं, नई गाड़ियां हर महकमे को दी जा रही हैं, गरीब के बारे में नहीं सोचा जा रहा, बिल्कुल बस अपनी जेब में अपना खानदान बना रहे हैं, इसका बेटा वजीर आजम, उसका बेटा ये तो एक जदी पुश्तीन चैन नजर आ रही है जो सूरत हाल में है। एक बुजुर्ग है हमारे साथ, ये पता नहीं क्या बेच रहे हैं जी, क्या बेच रहे हैं आज? फिर एक कलेजी ओड़ी पिपड़ा जी, कलेजी ओड़ी पिपड़ा वगैरह बेच रहे हैं। तो ये आपको इस बार बिल कितना आया? 10,000 बिल आया है। कब से इतना बिल आ रहा है? जो गर्मियां चढ़िया 10-12,000 तो बिल कटे ही नहीं पुत्र। जो गर्मियां चढ़िया गर्मियां तो चढ़िया जो शबाशरी साहब को मत ही सस्तियां चीजा करन आले हुकूमत दे बैठे जी, बिल ते 10,000 तो घट आउंदा ही नहीं, फेरी वाला बंदा मसा ही पूरा बिल पा खेलो रोटी पानी तो बह जाए। वोट किनू दिता सी यार की तुसी? किस पिछली दफा इमरान खान जी, इमराना नु दिता है, इमराना दे को मसा ही सी, वैसे जे हिसाब लाइए तो इमरान खान दी सही हुई की जी। ठीक है जी, बहुत मेहरबानी। अच्छा आप मुझे ये बताएं, आपकी 15,000 सैलरी है, बाइक बेच के आपने बिल पे किया है, क्या ख्याल है आगे आप जब तक ये हुकूमत रहती है, घर भी बेचने का कोई प्लान है, कोई गाहक लगवा लिया? मेरी बात सुने, ये इलेक्शन हो रहे हैं अपना, तो ये इलेक्शन उन्होंने करवाने नहीं है, अगर इलेक्शन करवा दिए ये अगले साल तक ले जा रहे हैं कि हमारा कुछ बन जाए, लेकिन इमरान खान साहब जो इस वक्त जेल में मौजूद है तकरीबन 150 जैसे पर जाता है, बिल्कुल ये देखे गड़ी का इल्जाम उन पर लगाया, मेरी बात सुने, इन्होंने पता नहीं कितनी गड़ी है, 1200 गड़ी हुई इसका मुकाबला, ये शाहगान बासी है साहब, इसने भी गड़ी ली, एक गड़ी बिकी, लेकिन यहाँ कौम की के घर भी बिक रहे हैं बिल पे करने के लिए और बाइकें भी बिक रही हैं। खान साहब ने कहा थी, देखें जी भुट्टो साहब ने कहा था, जो अजीम लीडर होता ना वो अवाम का सोचता है, बिल्कुल जो ये चोर हैं ये अपने पॉकेट का सोचते हैं, बस बात यही है। बहरहाल हमारी बहस जो है वो बिल के ऊपर थी, और बिल यहाँ अवाम को इतने आ रहे हैं कि बिल भी वो अपनी बाइकें गाड़ियाँ बेच के पे कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि पेट्रोल डलवाना तो फिर वो एक आम आदमी के बस की बात नहीं है। मजीद हम और लोगों से जानना चाहेंगे कि यहाँ की आवाम कितना बिल आता है, और यहाँ की आवाम क्या एहतजाजी तौर पे निकलेगी बाहर, या यहाँ की आवाम चुप करके अपनी बाइकें बेचकर बिल पे करती रहे। दुकान है, पेंचरों की दुकान ही है ना? जी जी, पेंचरों की दुकान है जी। आप मुझे ये बताएं यहाँ का बिल कितना है? बिल आता बहुत है कि कम डेड़ियाँ नहीं आती। कितना बिल आया? 10,000 बिल आया। और कितने कमाते हैं मंथ महीने में? कितना कमाते हैं?
दिहाड़ी में 200-300 कमाते हैं जी। 10,000 बिल अदा कर दिया, खाना कहाँ से खाएंगे? बस एवं मजदूरी करके, बस एवं। की हालात ने? और हालात ठंडे ने, ठंडे हालात ने, काम भी नहीं चल रहा, बिल भी बहुत आ रहा है। ये कब से आ रहा बिल ज्यादा आपको? ये 2 महीने हो गए। कितनी देर से हालात खराब है? जीरो शुभाशरी हुकूमत जो सस्ता सी होने आगे, शुभाशरी की हुकूमत जो सस्ता सी और नगरान को बताई तो महंगा हो गया। नाजरीन देखें जी, मियाँ साहब की हुकूमत में 250 रुपये का लीटर पेट्रोल सस्ता था, इमरान खान की हुकूमत में 150 रुपये पेट्रोल महंगा था, और मियाँ साहब की हुकूमत में 250 रुपये पेट्रोल सस्ता था। आज हम अगर 250 रुपये का पेट्रोल कह रहे हैं ना सस्ता है, तो हम इस वक्त बच्चे हो चुके हैं। मैं 250 रुपये का पेट्रोल जो है ना वो सस्ता लगता था, 300 रुपये का भी अब महंगा लगता है, और 150 रुपये का भी महंगा लगता था। यकीन करें नाजरीन, और हम पाकिस्तानी सारी ज़िंदगी इसी तरह रोते रहेंगे जब तक ये कौम अपने हालात खुद नहीं बदलती। बिल कितना आया ताडा? बिल नू छड्डो तुसी, जिन्ना 10,000 15,000 मेरा 12,000 बिल है। 12,000 बिल आया ते कमांदे किन्ना ये महीने दा? माशाल्लाह बहुत अच्छा कमाने हैं, असी तो उतार देंगे बिल। लेकिन ओह इमरान खान की गल कि मैं तो सबर कर लाँगा, पर आवाम तुसी तुहाडे कोल सबर नहीं होना, तो हुण करो सबर जरा, खान रोवो, हुण मिठाइयां वंडन रहे ने लोग जेड़े खान दी जेल च जान तो, हुण मिठाइयां वंडन, अपना बिल ज़्यादा होया। बहुत शुक्रिया, इजाजत दियो मैं अपने काम पे जा रहा हूं। बहुत शुक्रिया। नाजरीन देखा आपने यहाँ के कौम के हालात, किसी को बिल ज़्यादा लगता है और किसी को कम कमाई होने के बावजूद बिल कम लगता है, पता नहीं इसकी क्या वजह है जी। शायद उनके पास पैसा ही इतना है जो, या फिर वो अपनी गाड़ियाँ बाइकें शाइकें बेच के बिल पे कर लेते हैं और डर के नहीं बोलते कि कहीं उठाए ना जाए। अब ये हमारे पाकिस्तान का निज़ाम है, जो कि ताकतवर के खिलाफ बोलता है वो गायब हो जाता है। इसी के साथ अपने दोस्त मलिक नुमान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने कहा।